तो गाइज कुछ दिनों पहले गैलेक्सी A52s 5G Geekbench पर भी लिस्टेड हुआ था और BIS पर भी लिस्टेड हुआ था, जिसमें इसकी काफी सारी डिटेल सामने आई थी जो कि आपने काफी सारे वीडियो में देखा होगा और मैंने भी आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया था। सो वेल, अब ये स्मार्टफोन FCC पर भी लिस्टेड हो चुका है, जिसमें इसकी कनेक्टिविटी से रिलेटेड बाय काफी सारी डिटेल सामने आ चुकी है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो होल एड, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये स्मार्टफोन FCC पर लिस्टेड हो चुका है, जिसमें अगर इसके कनेक्टिविटीज की बात करें तो भाई इसमें वाईफाई 6 मिलता है ब्लूटूथ 5.1 की कनेक्टिविटी के साथ। साथ ही में गाइस, ये तो पहले ही कंफर्म था कि इसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा, बट अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि इसमें आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा और इंडिया में भी ये 12 5G बैंड्स के सपोर्ट के साथ ही लॉन्च होगा। सो काफी अच्छी बात है कि यार OnePlus की तरह सैमसंग एटलीस्ट 2000 5G बैंड्स देकर 5G के नाम पर स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर रहा है। साथ ही में गाइस, इसके प्रोसेसर की बात करते हैं, इसमें आपको कोलकॉम का लेटेस्ट कोलकॉम स्नैपड्रैगन 778G मिलेगा, जो कि भाई स्मार्टफोन कंफर्म भी है कि 5G का सपोर्ट तो करता ही। साथ में इसमें आपको एड्रेनो 6412 का GPU मिलता है, जिसकी वजह से काफी कमाल की और नेक्स्ट लेवल की गेमिंग भी मिल जाएगी। और गाइस, ये काफी पावरफुल प्रोसेसर है, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बात करें इसकी कैमरा डिटेल्स की, तो भाई इसके रियर में आपको क्वाड कैम सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मेन अपग्रेड होने वाला थर्ड सेंसर में, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम के साथ टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। सो यार, लेटेस्ट SoC होने के कारण और सैमसंग की कैमरा ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी होने के कारण आपको काफी अच्छा और फ्लेक्सिबल ग्रेड का कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर इसमें आपको 6.7 इंच के सुपर एमोलेड 120Hz वाली डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, जिसमें आपको इन्फिनिटी ओ कटआउट देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइज, ये डिस्प्ले HDR10 को भी सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से आप अगर YouTube पर कोई भी कंटेंट देखते हो तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको 5000mAh की बैटरी प्लस 25W की फास्ट चार्जिंग, साथ ही में IP67 की वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और A सीरीज का स्मार्टफोन होने की वजह से नॉक सिक्योरिटी का फुल सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट यार, फीचर वाइज तो काफी कमाल का स्मार्टफोन होगा ही। साथ ही में बात करें इसकी प्राइस और इंडिया लॉन्च की, तो भाई इंडिया में ये स्मार्टफोन आपको एंड ऑफ अगस्त तक लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। वहीं अगर इसकी 6128 जो कि इसका बेस वेरिएंट होगा, इसकी प्राइस की बात करें जो कि हमें 32 के अराउंड देखने को मिलेगी। सो काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। सो फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय एंड टेक केयर।